गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ. टुडे विल स्टार्ट दी सेकेंड लेसन डेडलिस एंड इक्रिस ऑफ योर इंग्लिश ट्री टॉप बुक. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फेमस ग्रीक इंजीनियर, हिज नेम वॉज डेडलिस. एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एक फेमस ग्रीक इंजीनियर था जिसका नाम था डेडलिस. वन डे किंग मीनोस ऑफ क्रेट इन्वाइटेड डेडलिस एंड हिज सन इक्रिस टू बिल्ड अ मेज. एक बार मीनोस के किंग मीनोस, जो कि क्रेट के किंग थे, उन्होंने इन्वाइट किया डेडलिस को और उनके बेटे इक्रिस को मेज बिल्ड करने के लिए. मेज क्या होता है? मेज मतलब भूल भुलैया. सो डेडलिस सेट अबाउट मेकिंग अ मेज. फिर डेडलिस ने मेज बनाना स्टार्ट कर दिया. एंड सून द वर्क वॉज डन, और बहुत जल्द ही काम पूरा हो गया. द मेज हैड मैनी रूम्स एंड कॉरिडोर्स. पीपल हु वेंट इन टू द मेज कुड नॉट कम आउट. अब जो मेज थी, जो भूल भुलैया थी, उसमें बहुत सारे रूम्स और बहुत सारे कॉरिडोर्स थे, और जो भी उसके अंदर जाता था वो बाहर नहीं निकल पाता था. ये मेज है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, दिस इज मेज. एंड दिस इज डेडलिस एंड हिज सन इक्रिस. किंग मीनोस लाइक्ड द मेज, बट आई डू नॉट वॉन्ट यू टू मेक अ सिमिलर मेज फॉर एनी वन. किंग मीनोस को मेज बहुत पसंद आई. ये किंग मीनोस हैं, इनको मेज बहुत पसंद आई, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसी सेम मेज तुम किसी और के लिए बनाओ. सिमिलर मीन्स सेम. सो ही इम्प्रिजेंट डेडलिस एंड इक्रिस इन अ टार. द टार वॉज सराउंडेड बाय वाटर. इसीलिए इन्होंने, किंग मीनोस ने डेडलिस और उनके बेटे इक्रिस को एक टार में, इसमें बंद कर दिया. इम्प्रिजन मतलब बंद कर देना. द टार वॉज सराउंडेड बाय वाटर, और जो टार था उसके आसपास चारों ओर पानी था. डेडलिस एंड इक्रिस कुड नॉट एस्केप बाय लैंड और वाटर. अब जो डेडलिस और इक्रिस थे, वो लोग लैंड से या तो वाटर से एस्केप मतलब भाग नहीं पाए थे वहाँ से. एस्केप मतलब भागना. देन डेडलिस हैड एन आइडिया. फिर डेडलिस के दिमाग में एक आइडिया आया. डेडलिस यूज्ड स्ट्रॉन्ग थ्रेड फेदर्स एंड वैक्स टू मेक लार्ज विंग्स. अब डेडलिस के दिमाग में आइडिया आया था ना, और वो आइडिया था, उसने क्या किया, उसने मजबूत थ्रेड मतलब धागा, मजबूत थ्रेड से फेदर्स मतलब पंख, और वैक्स से एक बहुत बड़ा ह्यूज विंग बनाया. विंग मतलब पंख, लार्ज मतलब बड़ा. तो उसने थ्रेड, फेदर एंड वैक्स का यूज करके बहुत बड़े विंग्स बनाए. देन डेडलिस एंड इक्रिस पुट ऑन द विंग्स एंड प्रिपेयर टू फ्लाई टू फ्रीडम. फिर डेडलिस और इक्रिस ने विंग्स पहने और वो लोग प्रिपेयर हो गए वहाँ से भागने के लिए. रिमेंबर सन, डोंट फ्लाई टू नियर द सन और द वैक्स विल मेल्ट. फिर डेडलिस ने उड़ने से पहले इक्रिस को कुछ बताया, कहा कि याद रखना कि तुम सन के ज़्यादा पास मत जाना, क्योंकि फेदर्स जो है वो विंग्स हैं वो वैक्स से भी बने हुए हैं, और वैक्स अगर फायर के पास आता है तो वो मेल्ट होता है. इसीलिए उन्होंने इक्रिस को कहा कि याद रखना सन के ज़्यादा करीब मत जाना, अदरवाइज जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा. वैक्स मतलब मोम. शो फादर, इक्रिस बोलता है शो फादर, मैं नहीं जाऊँगा. एंड डोंट फ्लाई टू क्लोज टू द सी और द मिस्ट विल डैम्पन द फेदर्स एंड योर विंग्स विल बिकम हैवी. और याद रखना तुम ज़्यादा सी के करीब मत जाना, सी मतलब समुद्र के करीब मत जाना, क्योंकि जो मिस्ट होगी वो तुम्हारे फेदर्स को डैम्पन कर देगी मतलब गीला कर देगी, और जिसकी वजह से तुम्हारे विंग्स जो हैं वो हैवी हो जाएंगे. इक्रिस बोलता है शो फादर. एंड देन द टू फ्लू ऑफ फ्रॉम द टार, और फिर वो दोनों उड़ जाते हैं टार से. As Icarus flew, he loved the feeling of the flight and forgot his father's instructions. He flew too high. अब जब इक्रिस ने उड़ना स्टार्ट किया तो उसे उड़ने की फीलिंग इतनी अच्छी लगी कि वो अपने फादर के इंस्ट्रक्शंस को भूल गया और वो बहुत ऊंचा उड़ गया. Daedalus cried out, but Icarus could not hear him. The heat of the sun melted the wings. अब डेडलिस ने चिल्लाया कि रुको मत जाओ वहाँ पे, लेकिन इक्रिस उन्हें सुन नहीं पाया, और जो सन की हीट थी उसने मेल्ट कर दिया विंग्स को. एंड इक्रिस फेल इनटू द सी एंड ड्राउन, और फिर इक्रिस जो था वो पानी में गिर गया और ड्राउन हो गया मतलब डूब गया. सो इस स्टोरी से
क्या लेसन मिलता है हमें इस स्टोरी से? हमें ये लेसन मिलता है दैट वी शुड लिसन टू आवर एल्डर्स, वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स, अदरवाइज ऐसे ही होगा हमारे साथ. ठीक है, तो जो भी मम्मी पापा बोलते हैं, एल्डर्स बोलते हैं, उन्हें सुनना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए. सो दिस इज द एक्सरसाइज क्लास. I hope you all have understood the chapter very well. अगर आपको कोई doubt है, you can ask me in the comment section. Thank you, students.